हाय फ्रेंड्स, स्वागत है यूनिक मैथ्स में। तो आज हम साधारण ब्याज के ऊपर डिस्कस करेंगे, यानी सिंपल इंटरेस्ट। और हर एक एग्जाम्स में सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। किसी भी कंपटीशन के क्षेत्र में आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें थोड़ा ये डिस्कस कर दे रहा हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मतलब हो गया हिंदी में जिसे हम लोग बोलेंगे साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज मतलब क्या हो गया कि हर एक साल में आपका एक इंटरेस्ट जो होगा वो क्या होगा, कंटिन्यू वो क्या होगा, हर एक साल के लिए सेम ही होगा, बराबर होगा। यानी इंटरेस्ट आपका जो होगा, एक बार जो दिया होगा वो हर एक साल के लिए वही होगा, चेंज नहीं होगा। जैसे और इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, आप लोग स्कूल लाइफ में पढ़ के आए हो कि सिंपल इंटरेस्ट PRT/100। पी मतलब हो गया आपका मूलधन, आर मतलब दर, ये हो गया पी, हो गया मूलधन, आर हो गया दर, और टी मतलब हो गया समय, ठीक है। और ये हो गया साधारण ब्याज, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय डिवाइड बाय 100। तो इसी बेस पे हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। और मैं जो यहाँ भी प्रोसेस दिखाऊंगा वो इस बेस पे भी हो सकता है या फिर इससे भी हम सिंपल तरीके से हम लोग आंसर को फाइंड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि ₹150 ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज पर देना होगा, ठीक है। यानी अब यहाँ दिया हुआ है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट सम ऑफ मनी मस्ट बी गिवन एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स एट 4% पर एनम, PM मीन्स हो गया पर एनम, हर एक साल का, यानी पर एनम एक साल का, इन ऑर्डर टू अर्न ₹150 इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट दिया हुआ है, यानी ₹150 आपको क्या दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, यानी आपका सिंपल इंटरेस्ट दे दिया हुआ है 150, ठीक है। और टाइम दे दिया हुआ है 6 मंथ्स, यानी 6 महीना। तो जब भी टाइम अगर आ जाए आपका मंथ में, तो हम लोग उसे कहाँ कन्वर्ट करेंगे, आप याद रखोगे हमेशा उसे ईयर बनाएंगे, यानी वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे, पर एनम में हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये हो गया 6 × 1/12, ये हो गया आपका ईयर में अब कन्वर्ट हो गया, यानी 1/2 ईयर। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, रेट यानी आर का दे दिया हुआ है R=4%। तो आपको पूछ रहा है प्रिंसिपल यानी मूलधन क्या होगा, ठीक है। तो फार्मूला हम लोग एक ही फार्मूला यूज़ करेंगे, वही SI = PRT/100। अब यहाँ देखोगे सिंपल इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ, 150 = P मतलब आपको फाइंड करना है, यानी P एज इट इज सेम रखेंगे हम लोग। R अब यहाँ R देखोगे कितना दिया हुआ है 4, देन टाइम, यानी हो गया ये 1/2 ईयर में कन्वर्ट हो गया, यानी 1/2। अब ये 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे, और नीचे कितना है 100, तो ये 4 से कैंसिल करेंगे इसे, तो ये गया आपका 25। और 25 को इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो ये माइंड में ही करेंगे हम लोग, ये कितना हो गया 50। अब ये 50 को इस साइड लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई, सो ये आपका हो गया P = ये हो गया 15, ये हो गया 5, 15 × 5 = 75, और ये एक जीरो और यहाँ का एक जीरो, यानी 2 जीरो, यानी कितना रुपया हो गया, आंसर आ गया आपका 7,500, यानी 7,500। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन SSC में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ दिया हुआ है क्या, कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, यानी 7/6 टाइम्स हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताएं, यानी आपको ब्याज की वार्षिक दर यानी आर निकालना है, ठीक है। तो आर किस में होता है, परसेंटेज में, तो ये हमारा हो गया सब परसेंटेज में है, यानी आर आपको फाइंड करना है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन यहाँ है कि अ सम ऑफ मनी बिकम 7/6 ऑफ इटसेल्फ इन 3 ईयर्स एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस को स्टूडेंट यहाँ पे देखोगे कि जब भी आपको दे दे
7 बाई 6 टाइम्स हो जाए, 8 बाई 9 टाइम्स हो जाए, 9 बाई 10 टाइम्स हो जाए, इस तरह के जब फ्रैक्शंस में दे कि आपका ये इतना हो जाए, तीन वर्ड्स में स्वयं का इतना गुना हो जाए, तो आप लोग क्या करोगे, सिंपल एक ट्रिक में दिखा रहा हूँ आपको कि ये ऊपर वाला जब बड़ा होगा तो याद रखोगे हमेशा इसे हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट एज्यूम करेंगे और नीचे वाले को हम लोग प्रिंसिपल एज्यूम करेंगे। यानी ये हो गया आपका मूलधन और ये हो गया आपका मिश्र धन। तो अमाउंट बराबर, ये आपको पता होगा, अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट को अगर प्रिंसिपल में हम लोग ऐड कर दे तो आपका जो मिश्र धन है इंटरेस्ट के साथ, वो आपको क्या हो जाएगा, मिश्र धन के बराबर यानी अमाउंट के बराबर होगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, तो सिंपल तरीका है सिंपल इंटरेस्ट। अब यहाँ देखोगे अमाउंट हो गया आपका 7, ठीक है, और ये हो गया 6 आपका प्रिंसिपल, ये हो गया अमाउंट। तो अभी मैंने बताया कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, है ना। तो इन दोनों को अगर हम लोग माइनस कर दें, 7 से 6 को माइनस करें तो ये बचा कितना, 7 से 6 गया यानी 1, तो 1 रुपीज़ का क्या हो जाएगा आपका इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या था, SI इक्वल्स टू PRT/100। तो अब यहाँ देखोगे साधारण ब्याज हमारा कितना है, 1, तो ये 1 इक्वल्स टू P, अब ये P कितना है, 6, तो 6 देन इंटू R। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ये निकालना है, तो R ही रखते हैं हम लोग, देन इंटू कितने वर्ड्स में हो रहा है, 3 वर्ड्स में, तो 3/100, है ना। तो ये 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 3, और ये करेंगे तो 50। सो R इक्वल्स टू आपको मिलेगा, ये इस साइड आया तो मल्टीप्लाई, सो 50 नीचे, ये हो गया 3, ये हो गया 3, 3 हो गया 9, तो 50/9। अब तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो जब कैंसिल नहीं होगा ऑप्शन में देखोगे मिक्स फ्रैक्शन में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे मिक्स फ्रैक्शन बना लेंगे। तो 9 से अगर इसको हम लोग कैंसिल करें तो क्या हो जाएगा, 9×5=45, यानी 5 टाइम्स जाएगा, और कैरी कितना होगा, 5, 5 ऊपर 9 नीचे, तो ये हो गया, दर हो जाएगा 5/9, यानी 5/9%, यानी हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये देखोगे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपये का अंतर है। यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है, यानी यह इंग्लिश में कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 5% पीए फॉर 3 इयर्स एंड फॉर 4 इयर्स बाय रुपीस दिया हुआ है, डिफरेंस बाय रुपीस 42 का। तो अब यहाँ पूछ रहा है कि सम क्या होगा, तो सिंपल सा है, 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग फाइंड करेंगे और 4 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो कितने रुपये का है, 42 के बराबर है, है ना। और याद रखोगे कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा सिंपल इंटरेस्ट का, हमेशा हर साल, मैंने पहले ही बताया कि हर साल क्या होता है, इक्वल होता है, यानी सेम ही होता है। तो यहाँ कितने परसेंट से है, 5%, यानी ये 5% दिख रहा है वार्षिक ब्याज, यानी पर एनम है, तो 5% जो पर एनम है, तो ये 3 साल में कितने का होगा, 3 साल में कितना हो जाएगा इंटरेस्ट, 5×3=15% और 4 साल में फिर क्या होगा, 5×4=20, यानी 20%, है ना। तो अब ये इन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि 4 साल माइनस 3 साल कितने के बराबर है, 42 के बराबर है। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, PRT/100, है ना। तो अब हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, अब ये हो गया आपका 4 साल का माइनस 3 साल का, तो 4 साल के लिए कितना है, 20%, सो 20% माइनस ये हो गया 15% किस पे, कोई एक सम होगा, वो सम ले लेते हैं हम लोग, सम बराबर यानी प्रिंसिपल बराबर कितने रुपए का है डिफरेंस, 42 रुपए का,
यही आपका आंसर है। तो अब इसे हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 5%, ये हो गया सम यानी प्रिंसिपल 42, और ये हो गया सम बराबर आ गया आपका 42/5। यहाँ परसेंटेज दोगे तो ये 1/ नीचे आपका 100 आएगा, सो ये 100 ऊपर लेके जाएंगे, 42 × 100/5। अब ये कैंसिल करोगे तो 20 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 840। तो ये हो गया आपका आंसर, यानी हो गया कितना रुपया, 840 रुपये। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या, 1500 रुपये का धनराशि पर 3 वर्षों का 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त ब्याज का अंतर 13.50 यानी 13.50 है, तो उनकी ब्याज दरों का अंतर बतलाएं। ठीक है, अब यहाँ द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेस ऑन ₹1500 फॉर 3 ईयर्स इज ₹13.50 द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का सबसे पहले यहाँ देखोगे, अब ये धनराशि यानी ये प्रिंसिपल है ना, तो 1500 रुपये का जो धनराशि यानी प्रिंसिपल जो मूलधन है, 3 वर्षों का 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त ब्याज का अंतर, तो अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं पता है, और यहाँ बोला है 3 वर्षों, ठीक है ना, पर 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त ब्याज का अंतर कितना है, 13.50। तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होंगे। अगर हम लोग R1 ले, देन ये हो गया PRT, अब ये टाइम आपका दिया हुआ है 3, देन माइनस, और एक दूसरा अगर हम लोग लें वहाँ पे दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम प्रिंसिपल पे, यानी मूलधन आपका सेम ही होगा R2, और टाइम भी दिया हुआ है 3 वर्ड्स, और ये क्या होगा PRT/100/100, यहाँ भी 100, यानी ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब यही ना बोल रहा आपको कि सिंपल इंटरेस्ट दो डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेम अमाउंट और 3 ईयर्स पे आपका कितना है, इन दोनों का डिफरेंस 13.50 ये है। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ गया। तो अब इसको हम शॉर्टकट कैसे करेंगे, अगर यही क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये करना नहीं है, मैंने करके दिखा दिया कैसे होगा। करना क्या है कि R1 - R2, ठीक है, इक्वल्स टू कितना है 13.50 दिया है ना, 13.50 इंटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल कितना है 1500 इंटू टाइम कितना है 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे और इसे सॉल्व कर दोगे आप आंसर आ जाएगा, या तो फिर इसे सॉल्व करोगे तो भी यही आएगा, हम लोग डायरेक्ट इसे करेंगे, है ना। तो अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ये पॉइंट को आप हटाओगे तो नीचे आपका 100 आएगा, और ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएंगे, है ना। अब ये एक जीरो, ये एक जीरो कैंसिल, सो आपका मिला क्या कि 135, ऊपर और जीरो नहीं है, नीचे है 150 और ये 13, 15 से जाएगा 15 × 9 = 135, और ये एक जीरो है। अब 3 से अगर इसे हम 3 को कैंसिल करें तो 3, और नीचे अभी भी एक जीरो है यानी 3/10, जिसे हम लोग पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं 0.3। अब ये रेट था यानी 0.3%, सो ऑप्शन नंबर C। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग डायरेक्ट ऐसे बना के नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट यूज़ ये करेंगे कि दोनों का डिफरेंस। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट किसके बराबर होगा, ये हमारी सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, ये 100 कहाँ जाएगा, उस साइड जाके आपका इंटू होगा, नीचे आपका प्रिंसिपल आएगा, यहाँ जो धनराशि पे जो दिया हुआ रहेगा उसे हम लोग लिखेंगे नीचे, और आपका कितने वर्ष का जो ईयर्स दिया हुआ रहेगा उसे हम लोग क्या करेंगे, इंटू करके बाकी सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 कि 1600 रुपये की धनराशि पर, यानी ये 1600 आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है, 2 वर्ष 3 महीने, यानी अब टाइम आपको दिया हुआ है क्या, वर्ड्स यानी ईयर और मंथ में दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, 2 वर्ड्स कंप्लीट है, प्लस जब भी आपका मंथ हो तो उसे हम लोग क्या करेंगे, उसे भी हम लोग ईयर कन्वर्ट करेंगे। तो ईयर कैसे कन्वर्ट करेंगे,
यानी मंथ को हम लोग कितने से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया, आपको कैंसिल करोगे तो ये 1 टाइम्स ये गया आपका 4, तो ये 4 टू जा 8 प्लस 1 यानी 9 बाई 4 ये ईयर में कन्वर्ट हो गया। आपको ये कर लेना है। उसके बाद आपको बोला है क्या कि साधारण ब्याज कितना है, 2.52 है। तो ब्याज की दर आपसे पूछ रहा है, यानी सिंपल इंटरेस्ट भी आपको दे दिया हुआ है कि 2.52। अब आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर क्या होगा, ठीक है। तो सेम एक ही फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, SI इज इक्वल्स टू PRT बाई 100। तो ये हम लोग यूज़ करेंगे SI इज इक्वल्स टू PRT बाई 100। अब यहाँ देखोगे कि SI कितना दिया हुआ है, 252। ये हो गया 252 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है, 1600। देन इंटू आर, अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है। देन इंटू टाइम, टाइम कितना था, 9/4 यानी 9 ऊपर होगा और ये 4 इसके नीचे आ जाएगा और नीचे आपका एक 100 एक्स्ट्रा आएगा फार्मूला के लिए, ठीक है ना। अब इसे हम लोग फटाफट सॉल्व कर देंगे। ये 0 से ये 2 0 कैंसिल, ये 4 से गया ये 4 टाइम्स। अब यहाँ देखोगे, अब ये 4 से ये ऊपर ऊपर हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 4 से इसे कैंसिल करेंगे, 4 6 24 बचा 1, 1 टू 12 हो गया और ये 4 के टेबल में 3 बार में ये चला जाएगा। अब यहाँ देखोगे 9 है, अब ये 9 से भी ये 63 कैंसिल हो जाएंगे कितने टाइम्स, 7 टाइम्स, यानी आर आपको मिला क्या, 7%, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यहाँ दिया हुआ है क्या, यदि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, यानी सिंपल इंटरेस्ट ये दिया हुआ है कि 4/9 ऑफ प्रिंसिपल। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप याद रखोगे, जब सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू दिया हुआ है फ्रैक्शन में और बोले कि प्रिंसिपल उसका प्रिंसिपल के बराबर है, तो ये जो छोटा वाला होगा उसे आप क्या लोगे, सिंपल इंटरेस्ट आपको लेना है, और ये जो बड़ा वाला होगा उसे आप क्या ले लेना, प्रिंसिपल ले लेना, ठीक है। तो अब फार्मूला एक ही है, SI इज इक्वल्स टू PRT बाई 100, यानी अब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, साधारण ब्याज 4 रुपया पकड़ लेते हैं हम लोग, इज इक्वल्स टू, उसके बाद हमारा इधर क्या होगा, मूलधन, मूलधन आपको दिया हुआ है कितना, 9 इंटू, नीचे आपका आएगा फार्मूला के लिए ये 100, ये तो पता है आपको। अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर यानी आर जो बोल रहा है, वार्षिक दर मीन्स आर, तथा समय, अब यहाँ पे टी, ये दोनों क्या है, समान है यानी इक्वल है, ठीक है। तो आपको ब्याज दर आपको क्या होगा, यानी आपका आर आपको फाइंड करना है, ये आर। तो आर आर टी जब दोनों एक ही है तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, PRT, तो आर इंटू आर, टी की जगह भी हम लोग क्या ले लिए, आर ही ले लिए, क्योंकि यहाँ आर और टी आपको क्या बोला है कि समान है। तो अब इसे फटाफट हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो ये हो गया आपका 9R² इसे इंटू करेंगे तो ये हो गया 400। अब ये 9 इसके नीचे आएगा और यहाँ स्क्वायर है, तो अब हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे कि स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये ऑलरेडी स्क्वायर है, ये आपका 20 का स्क्वायर है और ये है आपका 3 का स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा R इक्वल्स टू 20/3। अब ये 20/3 है तो कैंसिल नहीं होगा, तो मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग इसे कर देंगे, यानी 6 3 = 18, ऊपर 2 नीचे 3, ये हो गया परसेंटेज। सो आर का वैल्यू मिला आपको 62/3%, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से आज मैंने सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस को मैंने करवाया, जो ऑलरेडी SSC के एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन थे, और ऐसा क्वेश्चन आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर इसी तरह के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, जो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।